यह कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर है तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था। वे उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लडेडिका हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के इस समय में इस जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू की बात कह रहा है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की है। हाँ हाँ, सब हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक एलईडी डहका उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लडेडिके को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज आई थी और वो उनकी आवाज के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि यह तो झूठी कहानी है, अगर वो लडेडिका लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वह आवाज उसके पिता की थी। वो बोला, क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूरी पर थे और उन्होंने भी वही आवाज सुनी थी, मतलब उनको बुलाने की। उनकी ही आवाज में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका बेटा नहीं था, इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की यह कहानी सुनकर हंसने लगा कि वह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर दे। हा हा हा। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद में उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। रात का समय में उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो। क्या वो सच था कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़ेढ़े देखा। वो मेरी ओर नजर करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहां आओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां वो नहीं था तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो अब मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम ले, तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। यह देखकर मैं सक पका गया, मेरे रोंगटे खड्डी डीढ़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहां है तो वहां नीचे कौन है। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला कि मैं तो यही था, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं हूं, तुम क्या बोल रहे हो। मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा, मुझे पता है कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देखा है। उसी रात मैं जब सो रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं, तुम तो आए ही नहीं, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार यह आवाज मेरे भाई जैसी नहीं थी बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफी लंबा होगा और बहुत ज्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाजें आने लगी और फिर जब सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहां आम बात है, तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाजें आती रहीं, फिर वो आवाजें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए थे क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। उस जंगल में रहने वाले को लोग छलावा कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता।